फोकस हम हटाना नहीं चाहते, हम मेन फोकस रखना चाहते हैं एज अ रेसलिंग पे। सबकी दिलचस्पी जो है रेसलिंग में लाना चाह रहे हैं कि नशा कोई चीज नहीं है। वो अगर आपको नशा करना है तो आप पॉलिटिशियन बने, रेसलर बने, यू नो डॉक्टर बने, पुलिस वाले बने, ये नशे वाले बन के कोई फायदा नहीं है। तो वो नशा हटा देना चाहिए। बहुत वैसे पूछते हैं बंदा, मैं देता हूँ पहले बताता हूँ। देखो राखी आई ये है ना कि भी वो गलत तरीके से उसका एक कोई मुद्दा नहीं बनाए। मैं तो दिल से बात करती हूँ, लेकिन आप लोग उसको जो मतलब जो एक देखो देश सबसे पहले देश है, अगर देश है तो हम है, ठीक है। पर लेकिन अगर हमारी मेरी जरूरत पड़ेगी तो एब्सोल्युटली हम सबसे आगे मिलेंगे। एक बार हुक्म करें मतलब, ठीक है। रही दूसरी बात, अभी हम हमारा मेन मकसद है कि हम रेसलिंग को प्रमोट करिए। रेसलिंग जो काम जैसे बोलते हैं ना, जो काम है वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि और ही काम करे। आप मीडिया का काम, मीडिया का काम करना चाहिए, है ना। आप बोलेंगे आप कोई और ही काम करे तो एनीथिंग सो मतलब वो पॉलिटिक्स बीच में आ जाएंगे। वो नहीं, मेन चीज है देश पहले है, देश के लिए हम कर रहे हैं। जो हम अगर तंदुरुस्त होंगे बंदे, तंदुरुस्त होगा हमारा पंजाब, तंदुरुस्त होगा हमारा हिंदुस्तान, तभी तो फाइट कर पाएंगे। अगर सारे नशेड़े होंगे तो फाइट कहां से कर पाएंगे। सही बात है। देश को तंदुरुस्त बनाना बहुत जरूरी है, देश को स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। देश को अगर हम सुरक्षित, अगर आज हमारे को बोलेंगे कि भी आप रेसलिंग को छोड़ो आप आगे आओ, तो हम एक हिंदुस्तान के नाते सबसे आगे हम मिलेंगे, क्योंकि हम देश के प्रति, मैं हिंदुस्तान पंजाब आया हूँ, हिंदुस्तान पे आया हूँ, अपना सारा अमेरिका पे सारा काम छोड़ के आया हूँ। अच्छा, लुधियाना के बाद, क्योंकि मतलब मेन हमारा मोटो है कि यूथ को स्पोर्ट्स पे लगाना, ड्रग्स से हटाना। हमारा मैसेज भी यही है, डू स्पोर्ट्स नो ड्रग्स। और दो तारीख को जो कंपटीशन हो रहा, 2 तारीख को हो रहा है लुधियाना में, 9 तारीख को बठिंडा। तो मेरा यही है कि सब तक मैसेज पहुंचना चाहिए, सब लोग आए एंजॉय करें, और जब देखेंगे तभी उनका शौक बढ़ेगा। अभी तो राखी जी है जो बोलते 100 के बराबर एक ही है, और रेसलर है कुछ, बाकी जो मेन बताया जो मेन फोकस है वो हिंदुस्तान के रेसलर है, उन पे फोकस है। हाँ, वो भी आ रहे। तो मैं जरा बता दूं अपनी देशभक्ति के बारे में भैया। हाँ बताइए। कि सबसे पहले देश है और देश के लिए हम जान भी दे सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं राखी सावंत इंडियन हूँ, इस देश की नागरिक हूँ। अगर देश को मेरी जरूरत है तो मैं 1000-2000 बॉम्ब लगा के पाकिस्तान में कूद जाऊंगी। हाँ भाई, ये देश के लिए जान दे सकती हूँ। रेसलिंग यू नो, और मैं इसलिए आई हूँ, मैं हमेशा CWE को, रेसलर्स को, मैं रेसलिंग में हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं अपना बदला लेना आई हूँ। या मुझे मेरा बदला लेना है, जिस तरह मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान का बदला लिया, ऐसा राखी जी ने भी बदला लेना है। रेसलर रेबल्स है, लास्ट टाइम उसने मुझे बहुत मदद दिया था, चलने भी नहीं हो रहा था, बैक में दर्द हो रहा था, लास्ट टाइम तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लड़ नहीं पाई, इस बात का मैं बचना जरूर प्रिपरेशन किए हैं, काफी काजू बादाम खाए हैं, काफी एक्सरसाइज मेहनत करी है मैंने, सीखा है मैंने, खाली चीजें सीखा है CWE की तरफ से। अब आप देखिएगा कि मैं कैसे लड़ती हूँ। मैं तो एक परफॉर्मर हूँ, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब ठान ले इंसान तो क्या नहीं कर सकता है। देखो उसने मैंने, वो मुझे 6 मारेगी तो मैं 4 को जरूर मार दूँ। वो अभी आप जरूर देखना रेसलिंग रिंग में के राखी सावंत कैसे उसकी हड्डियाँ तोड़ती है। लुधियाना तो गुरमीत निजर दी रिपोर्ट, कैमरामैन अमनदीप दे नाल, फॉक्स.पंजाबी, योर सिटी योर न्यूज़।